हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शादी कप्तर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो गेमिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं पबजी लाइट पे, क्योंकि अब से हम अपने चैनल में वही डिस्कस करेंगे जो पब्लिक मांगेगी, क्योंकि पब्लिक की डिमांड दौड़ेगी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पबजी लाइट गेम के बारे में। पबजी लाइट गेम जो सून इंडिया में अवेलेबल हो जाने वाला है, वो पीसी में खेले जाने वाला पबजी का एक लाइट वर्जन है। ये लाइट इसलिए कहा गया है ऐसे क्योंकि ये अपने स्टोरेज साइज में बहुत ही कम स्पेस लेगा। अक्सर क्या होता था, पहले जब हम पबजी को नॉर्मल वर्जन को अपने किसी भी पीसी में या लैपटॉप में खेलते थे, तो क्या होता था, हमें स्टोरेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। हम उसे खेलते थे तो वो बहुत अटकता था, बहुत ज़्यादा लैग करता था। तो दोस्तों, अब आ गया है, पबजी ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। वो पबजी लाइट लेके आ चुके हैं इंडिया में। बस अभी उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का है, उसका लिंक आपको कहाँ से मिल जाएगा, आपको क्या क्या उसमें करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है पबजी लाइट खेलने के लिए, मैं सब बताऊँगा। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ साथ घर पर। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम एक ऐसे वेबसाइट में जहाँ पबजी लाइट के बारे में एक कंप्लीट आर्टिकल दिया हुआ है। दोस्तों, तो उस वेबसाइट का मैं नीचे नाम और इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ आप उस वेबसाइट को डायरेक्टली आप जाके उसमें पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, चलिए उस वेबसाइट पर जाते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ बातें, क्योंकि हमारा डिस्कस करना ही सबसे बेहतर है। देखिए दोस्तों, पबजी लाइट इज कमिंग टू इंडिया इसका टाइटल है, और इसने अपना लगा भी रखा है इमेज, प्लेयर्स प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड लाइट। अच्छा, मतलब पबजी लाइट, ये देखिए इसने लिख रखा है पबजी लाइट कमिंग शो। ये बता रहा है कि पबजी लाइट आफ्टर टेस्टिंग, उसके पास लाइव वर्जन क्या क्या उसमें टेस्ट हुआ, उसके बाद जब वो सक्सेसफुल उसका टेस्टिंग हो चुका है दोस्तों, तो पबजी लाइट इंडिया में भी आने ही वाला है। उसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। तो रजिस्ट्रेशन चालू है तो उसमें रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल उठता है। या अगर हम गूगल में भी सर्च मारते हैं तो हमें डायरेक्टली लिंक नहीं मिलता है दोस्तों। तो इस वेबसाइट में oversmart.co में डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करने का आपको लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कर्सर जहाँ पे है, वहाँ पे लिखा हुआ टू गेट रिडायरेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन इवेंट। आप इसमें डायरेक्टली क्लिक करके रजिस्ट्रेशन इवेंट में जा सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ओके, तो इसमें आप आइए postman.com में और इस लिंक को क्लिक कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं रिक्वायरमेंट्स में। जैसे कि सबके दिमाग में होगा, अच्छा मैं तो खेलना चाहता हूँ, मैं इसमें रजिस्ट्रेशन भी करा लूँगा, लेकिन क्या मेरा पीसी, क्या मेरा कंप्यूटर उस लायक है कि मैं उसे लेके खेल सकूँ दोस्तों। तो सुन लीजिए दोस्तों, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है पबजी लाइट खेलने के लिए। पबजी लाइट खेलने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपका अगर इंटेल प्रोसेसर है तो इंटेल कोर i3 प्रोसेसर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, विद 2.4 GHz प्रोसेसर। क्या होना चाहिए, i3 या उससे ज़्यादा, जो जनरेशन होता है i3, i5, i7, ये i3 होना चाहिए। अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर है तो i3 होना चाहिए विद 2.4 GHz प्रोसेसर, ठीक है। और आपका स्टोरेज कितना होना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, 4GB रैम विथ 4GB ऑफ स्टोरेज। आपके हार्ड डिस्क में 4GB खाली रहना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए दोस्तों। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर विथ 2.4 GHz प्रोसेसर विथ 4GB रैम एंड 4GB स्टोरेज, ठीक है दोस्तों। अगर आप ग्राफिक कार्ड की बात करें, अगर आप बोले कि हम मुझे एकदम स्मूथली खेलना है बिना किसी लैग के और मेरा ग्राफिक बहुत ही अच्छा रहे, तो आपका ग्राफिक कार्ड में क्या है। अगर ये बोल रहा है कि अगर आपके पास आपका पीसी या आपका लैपटॉप ग्राफिक कार्ड कंटेन करता है एनवीडिया जीफोर्स GTX 660 या AMD रेडियन HD 7870 ग्राफिक कार्ड। दो ग्राफिक कार्ड का इसमें नाम लिखा है, एनवीडिया जीफोर्स GTX 660 एंड AMD रेडियन HD 7870 ग्राफिक कार्ड। तो इसमें आप आराम से खेल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपना ग्राफिक कार्ड अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में देख सकते हैं उसमें सेटिंग में जाके, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपके पास इंटेल का ग्राफिक कार्ड है, आपके पास एनवीडिया जीफोर्स GTX 660 या AMD रेडियन HD 7870 ग्राफिक कार्ड नहीं है लेकिन इंटेल का ग्राफिक कार्ड है, तो कौन सा होना चाहिए, ग्राफिक्स 4000 दोस्तों, समझ रहे। तो ये सफिशियंट है आपके पबजी लाइट खेलने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कि क्या मैं पहले से पबजी खेल रहा था तो मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या मैं नहीं खेलता था तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाऊंगा दोस्तों। तो इसका पहले खुलासा कर लेते हैं दोस्तों। अगर जो पहले से खेल रहे हैं दोस्तों, तो उनके पास उनका अपना क्रेडेंशियल है, लॉगिन आईडी है, उनका पासवर्ड है, तो उन्हें वापस रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वही बस उन्हें एक फाइल डाउनलोड करना है पबजी लाइट का अपने पीसी में, और वो उन्हीं पुरानी क्रेडेंशियल से लॉगिन करके खेल सकते हैं। लेकिन जो नहीं है उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस गिवन लिंक में जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोस्तों। स्पेशली गेम रिवॉर्ड्स, अब कोई बोल सकते हैं मैं पबजी लाइट क्यों खेलूँ, इसमें क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका साइज कम है, इसलिए तो हम इसे पीजी में खेल सकते हैं, बड़े स्क्रीन में खेलना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। लेकिन फिर भी हमें तो कुछ तो चाहिए ना, नया गेम है तो कुछ तो दो भाई तोहफा, तो ये तोहफा दे रहा है। ये बोल रहा है कि प्लेयर्स विल बी रिवॉर्डेड विद द स्पेशल इन गेम रिवॉर्ड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। ये बोल रहा है अगर कोई भी इवेंट होता है उसमें अगर प्लेयर पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्या क्या मिल सकता है, चीता पैराशूट एंड टाइगर M46 टैंक। वाओ, ये सिंपली वाओ है। मतलब अगर आपको इतना कुछ मिल सकता है तो आप इवेंट में क्यों ना पार्टिसिपेट करेंगे, जरूर पार्टिसिपेट करें। फिर इसने रखा है अपने इस पबजी लाइट को एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए कि इतने लोग मुझे डाउनलोड करें। ये इसने एक गिफ्ट रखा है कि अगर ये 1 लाख
रजिस्ट्रेशन क्रॉस करता है, 1 लाख बेटा रजिस्ट्रेशन क्रॉस करता है, तो ये अपने सब गेमर्स को क्या गिफ्ट करेगा? ब्लडी कॉम्बैट पैंट्स एंड ब्लैक स्कार्फ एंड पंक ग्लासेस। फिर इसने कहा इफ द रजिस्ट्रेशन क्रॉसेस 2 लाख मास्क, अगर रजिस्ट्रेशन 2 लाख से ज़्यादा पीपल से क्रॉस करता है तो सबको क्या मिलेगा? सब प्लेयर को मिलेगा रेड स्पॉट टॉप, कोल्ड स्कार्फ एंड स्ट्रिप्ड लॉन्ग स्लीव्स। दोस्तों ये पबजी लाइट हमें दे रहा है तोहफा, तो हमें चाहिए भाई, हम तो इसे डाउनलोड करेंगे यार। मैं चाहता हूँ आप भी इसे डाउनलोड करें और जरूर खेलें। और रजिस्ट्रेशन जो नए प्लेयर हैं जिन्होंने पहले पबजी लाइट नहीं खेला, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बड़े स्क्रीन पर, वो रजिस्ट्रेशन करा ले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही सब दिया हुआ है कि लिंक ऑफ द रजिस्ट्रेशन पेज, यहाँ पे डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है लिंक ऑफ द डाउनलोड पबजी लाइट पीसी। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे मैंने आपको इसलिए लाया है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का, पहला तो रजिस्ट्रेशन का लिंक बहुत आसानी से मिल जाता है आपको, कहीं गूगल में जाकर ढूंढना नहीं पड़ता, सर्च नहीं करना पड़ता। और दूसरा वो फाइल जिसमें आप पबजी लाइट खेल सकते हैं, वो भी फाइल अभी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ भले वो अभी फाइल चलेगा नहीं क्योंकि वहाँ अभी लॉन्च नहीं किया गया है, वो सून है, वो हो सकता है 1 सप्ताह, हो सकता है 1 महीना के अंदर, या हो सकता है 1.5 महीना के अंदर पबजी लाइट आने लगे। दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, वो आपको न्यूज़ के द्वारा पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कम्प्लीटली दोनों रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया है दोस्तों। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप oversmart.com में आके इस लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वो फाइल भी डाउनलोड कर लें दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने यही बात की पबजी लाइट क्या है, पबजी लाइट का साइज कितना है, पबजी लाइट के लिए रिकमेंडेड PC या कंप्यूटर कैसा होना चाहिए, उसमें रैम कितना होना चाहिए, उसका ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए। फिर हमने इन गेम स्पेशल अवार्ड के बारे में भी बात किया दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।